लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के नाम से। इनका वास्तविक नाम, इनका जो वास्तविक नाम है वो है थॉमस जॉल्स बेरिंग। ये इनकी उपाधि थी, उस नाम से उसी से इनको जाना जाता है, जबकि वास्तविक नाम है थॉमस जॉल्स बेरिंग। 1872 से 1876 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इनके समय की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस वाली चीज जो है वो है, इन्होंने 1872 में कूका विद्रोह का दमन किया। कूका विद्रोह का दमन किया। कूका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कूका विद्रोह पंजाब का विद्रोह था, पंजाब में हुआ था। कूका विद्रोह का नेता कौन था? कूका विद्रोह का नेता राम सिंह था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनके समय की है कि ये लेके आए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876, नाम से समझ रहे होंगे परफॉर्मेंस आप जानते हैं क्या होता है, और ड्रामेटिक मतलब ड्रामा। बेसिकली उस समय का जो काल था, जन जागृति का काल था, लोगों के अंदर जो राष्ट्र भावना है वो जाग रही थी, धीमे धीमे लोग जागरूक हो रहे थे, और इनके विरोध में जो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़ के आए थे लोग, जो नए अमीर लोग थे, वो सब कुछ समझ रहे थे दुनिया में क्या हो रहा है, और वो भारत में भी जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उस समय बहुत सारे माध्यम नहीं होते थे, ना रेडियो था, ना टेलीविजन था, ना फोन था, ना अखबार इतने ज्यादा थे। तो क्या करते थे वो लोग, वो जगह जगह पर नाटक करते थे, नाटकों की, जैसे नुक्कड़ नाटक आजकल के होते हैं ना, तो वैसे ही जगह जगह पर नाटकों का मंचन किया जाता था। एक बड़ा मशहूर नाटक आपको नाम याद होगा, नील दर्पण, है ना, जो नील आंदोलन की नींव जिसके द्वारा पड़ी थी। तो वैसे ही उसी तरीके के अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को, इनकी नीतियों के खिलाफ लोगों को बताने के लिए, आम जनता को जागरूक करने के लिए जो लोग थे वो नाटकों का मंचन करते थे। इससे इनको लगता था कि हमारे खिलाफ विद्रोह हो सकता है, क्योंकि 1857 के बाद ये लोग बहुत ज्यादा कॉशियस, बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए थे। तो ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए, नाटकों पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 में लेके आए कौन? द लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इन्हीं के समय में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कब की? 1873 में, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका उद्देश्य था, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी और जाति व्यवस्था के विरोध में। और इन्हीं के समय में सर सैयद अहमद खान के द्वारा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, की स्थापना की गई 1875 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। आज हम इस कॉलेज को किस नाम से जानते हैं? अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, मुस्लिम समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए उनको जागरूक करने के लिए, पाश्चात्य शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए। इसका नाम ही क्या है? एंग्लो ओरिएंटल। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे सर सैयद अहमद खान, तो इसलिए 1875 में इसकी स्थापना की, और आज इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये? नाम में ही लिखा हुआ है, अलीगढ़ में। 1875 में इन्हीं के शासनकाल में, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, प्रिंस ऑफ सर। वेल्स भारत आए। जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनका नाम क्या था इस समय? प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सेवेंथ। और इन्होंने 1876 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1876 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करने का कारण क्या था? उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिजराइली। तो बेंजामिन डिजराइली ने इनसे कहा था कि अफगानिस्तान का जो अमीर है उस समय का, उसके साथ संधि कर लो। ये उस संधि के पक्षधर नहीं थे, और यहाँ पर क्लैश हुआ दोनों के बीच में, तो इन्होंने बेहतर समझा कि हम यहाँ से हट ही जाते हैं, तो इन्होंने उसके विरोध में रिजाइन कर दिया था।
लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक रहे, और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद अगले हैं हमारे बड़े मशहूर लॉर्ड लिटन। चलें आगे।